कानपुर में बीए की छात्रा ने अपने कॉलेज के प्रबंधक पर छेड़खानी का संगीन आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि प्रबंधक ने बाथरूम में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता ने साथी छात्राओं से आप बीती बताई, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वहीं शिक्षकों ने उसे उल्टा डांट दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वो खुद भी उनको वहाँ के टीचर ने उनको भगा दिया। जब मेरे पेरेंट्स वहाँ गए तो उनको भगा दिया गया कि इनसे कोई बातचीत ना हो पाए, इस वजह से उनको भगा दिया गया। आप साथ ही छेड़खानी करते थे और बहुत ही लड़कियों से हुआ है, पर वो लोग नहीं बता सके। मैं विद्यालय की प्रिंसिपल और यहाँ की सितारा जो हेड है कर्मचारियों के, उनके साथ जब उधर से जा रहा था रत्नालय की तरफ से, तो फोन की आवाज सुनाई थी। उस पर मैंने उस लड़की से सिर्फ इतना कहा कि अपना फोन जमा करो, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल प्रमिला ने अपने कस्टडी में ले लिया फोन, और उस लड़की के साथ जो थी उसने भी अपने बयान में ये बात स्वीकार की है। उसने भी अपना बयान दिया है कि नहीं, ना कोई छेड़छाड़ और ना इस तरीके कोई प्रकरण है। वो ऐसा क्यों बोल रही है ये वही जानती होगी। पढ़ने वाली लड़की ने यहाँ के प्रबंधक पे छेड़खानी का आरोप लगाया है, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सत्यता की जांच की जा रही है, जो भी सही पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।